नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। यूपी के कन्नौज जिले में आधुनिक रूप से बना ट्रामा सेंटर शराब पीने वालों के लिए मैखाने का अड्डा बन चुका है। ट्रामा सेंटर तो चमचमाता हुआ पूरी तरह से खड़ा हो गया। सपा सरकार में लाखों का बजट आया और ट्रामा सेंटर बन गया, लेकिन स्टाफ के अभाव में यह चालू नहीं हो पाया, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है कि कैसे यहां पर रात होते ही शराब की महफिल जमती है। भले ही नीचे पुलिस चौकी क्यों ना हो, लेकिन शराबियों को शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में यहां पर शराब कौन पीता है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या सरकारी अस्पताल का स्टाफ यहां पर आकर इस तरह के काम करता है, क्योंकि आम इंसान की तो अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। ट्रामा सेंटर के कोने कोने में पड़ी शराब और बियर की सैकड़ों की तादाद में बोतल या गवाही दे रही है कि रात होते ही ट्रामा सेंटर में सजती है शराब की महफिल। सदर क्षेत्र के जिला अस्पताल के परिसर में ही सपा सरकार में ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ था। करीब 96 लाख से ज्यादा की कीमत से ट्रामा सेंटर का निर्माण किया गया था और इसमें आधुनिक उपकरण भी दिए गए थे, ताकि गरीब जनता को बेहतर इलाज मिल सके और उनकी तमाम अन्य समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन स्टॉक ना मिलने के कारण ट्रामा सेंटर आज भी कई सालों के बाद सुनसान पड़ा है और लाखों की कीमत के उपकरण धूल फांक रहे हैं। पिछले कुछ समय में ट्रामा सेंटर कूड़े खान का अड्डा बना, शराब पीने का अड्डा बना, जिसके बाद आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और ट्रामा सेंटर के नीचे पुलिस चौकी के लिए नीचे का फ्लोर दे दिया, ताकि ट्रामा सेंटर में इस तरह के लोगों के द्वारा की जा रही गलत गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन बीते कल ट्रामा सेंटर में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी हुई दवा बरामद हुई, जिसमें कुछ ऐसी दवाएं थी जिसको कई सालों पहले तक देखा जाता था, लेकिन उसके बाद यह चीजें यहां पर बरामद हुई। वहीं आज बड़ी मात्रा में शराब और बियर की बोतलों का अंबार देखा गया, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रामा सेंटर में ऐसी शायद ही कोई गलत गतिविधि बची हो जो ना होती हो। मिलीभगत की अगर बात करी जाए तो साफ तौर पर पुलिस और एम्बुलेंस स्टाफ के सामने दिख रही है, क्योंकि जो 108 एम्बुलेंस चालक है, बताया जा रहा है उन्हीं ने यहां कब्जा कर रखा है। रात होते ही यहां महफिल जमती है और शराब पीते हैं। फिलहाल मामला उठते ही अधिकारियों में फिर से चुप्पी साध ली है और महज रटे रटाए जवाब में एक ही बात बोलने वाले की जांच कर कार्रवाई होगी। वहीं जिला अस्पताल के CMS खुद असहाय नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रामा सेंटर खाली कराए जाने को लेकर कई बार वह खुद लेटर लिख चुके हैं। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में लाखों की कीमत से बना ट्रामा सेंटर काफी अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। देखने में आया है कि उसकी सेकंड और उसकी छत पे काफ़ी भारी मात्रा में बियर की खाली बोतल, शराब की बोतल, एक क्या पूरा नीचे पुलिस चौकी है, बीच में एम्बुलेंस कर्मी रहते हैं, फिर भी ये शराब की बोतल आखिर कहाँ से आती है? ये जानकारी मुझे भी मीडिया से अभी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे इस तरीके के मादक पदार्थों के बोतलें और ये कैंस वगैरह बरामद हुई हैं। मैं स्वयं जाके निरीक्षण करके वहाँ पे दिखवाऊंगा। ये ट्रॉमा सेंटर में अभी 108 एम्बुलेंस कर्मी रह रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में इनको यहाँ पे रहने के लिए दिया गया था और नीचे पुलिस चौकी भी बनी हुई है। परंतु मेरा मानना है कि अब ये कोविड काल ख़त्म हो गया है तो ये ट्रॉमा सेंटर खाली होना चाहिए। इसके लिए पत्राचार पूर्व में भी किया हूँ और अब मैं फिर पुनः इसमें लग करके ये ट्रॉमा सेंटर एक्टिवेट कराने के लिए मैं इसमें पत्राचार पुनः करूँगा। और हमारे पास अब चिकित्सक भी हैं, व्यवस्था भी है। मैं ये चाहूँगा कि ये ट्रॉमा सेंटर हमारे उसमें आ जाए और फंक्शनल हो जाए। कहने रहे जो सर जानकारी है कि शाम होते ही मैखाने में बदल जाता है ट्रॉमा सेंटर, इस पर भी कोई आप लिखित शिकायत करेंगे या कोई लिखित कार्रवाई? अवश्य, जब ये मेरे संज्ञान में आया है तो मैं इसके बारे में लिखित शिकायत भी करूँगा और पहले मैं अपने स्तर पर पूरा जाँच करके वहाँ पे वस्तुस्थिति का जायजा लूंगा, उसके बाद मैं इसमें पत्राचार भी करूंगा और जो भी भरसक कार्रवाई हो सकती है वो करके ट्रॉमा सेंटर फंक्शनल कराने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।